हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कात्या किड्स लर्न विद फन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सिक्स ज्योग्राफी की बुक से द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो चैप्टर वन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number of increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shiny objects. Some are bright, other dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling. But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as moon shines. इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो उस पूरे पैराग्राफ में बात कर रहा है, ये बता रहा है कि जब शाम का समय होता है बच्चों, तो क्या देखा है, दिखाया जाता है हमें आसमान में, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। इन चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ब्राइट दिखाई देती हैं, बहुत शाइनी दिखाई देती, बहुत चमकीली होती हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इतनी शाइन नहीं करती, उतनी चमकीली नहीं होती हैं। और जैसे जैसे हम इनको काउंट करते जाते हैं, धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, चमकते हुए दिखाई देते हैं, ट्विंकलिंग दिखाई देते हैं। पर हम अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बस केवल ग्लो कर रहे होंगे, ट्विंकल नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। इनमें कोई फ्लिकर नहीं होगा, है ना, जिसको बोलते हैं ना खुलना बंद होना, ये वाला प्रोसेस इसमें नहीं होगा। बस ये उसी तरीके से शाइन करते होंगे जैसे मून शाइन करता होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मी ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज। और इन सभी चमकीली चीज़ों के साथ ही साथ हमें कभी कभी मून भी दिखाई देता है। इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, और यह अलग अलग समय पर अलग अलग दिखाई देता है। इन डिफरेंट शेप्स एंड अ डिफरेंट पोजिशन, अलग अलग शेप में और अलग अलग पोजिशन पे दिखाई देता है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम, और एक महीने में पूरा चांद यानी फुल मून हम केवल एक बार ही दे सकते हैं। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, तब वो समय कहलाता है पूर्णिमा या फिर फुल मून नाइट। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, और कुछ दिनों के बाद ही, एक फोर्टनाइट के बाद ही हम क्या देखेंगे कि हमें ये चांद दिखाई ही नहीं दे रहा है। इट वॉज अ न्यू मून, और ये शुरुआत है न्यू मून का, एक तो हम अमावस्या भी कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ क्लियर नाइट। और अगर हम ध्यान से देखें तो जो रात का आसमान होता है वो क्लियर अगर हो तो अमावस्या के दिन हमें नाइट स्काई सबसे बेस्ट तरीके में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बाकी के दिनों में चांद वहाँ पे रोशनी के लिए होता है तो उतनी क्लियरली नहीं दिखाई देता, क्योंकि चांद की रोशनी बाकी शाइनी ऑब्जेक्ट्स को ढक लेती है, ठीक है। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आपको पता है कि हम दिन में चांद या फिर उस तरीके से चमकीली चीज़ें आसमान में क्यों नहीं देख पाते? इसका एकमात्र कारण है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्काई। सन की जो इतनी तेज रोशनी होती है, इस तेज रोशनी की वजह से इस रोशनी के आगे बाकी की रोशनियाँ, बाकी की ट्विंकलिंग चीज़ें जो शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी रोशनी थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से ये हमें चमकीले दिखाई नहीं देते हैं। द सन द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। वो सभी चीज़ें जो रात के समय आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, चाहे वो सन हो या मून हो या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं नाइट स्काई में, इनको हम क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेस, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विद दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, द सन इज़ अ स्टार,
ठीक है, तो उन्हीं सेलेस्टियल बॉडी में कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो बहुत बड़े और बहुत गर्म हैं। ये गैसों से बने हुए हैं और इनके खुद की हीट और लाइट होती है, और बहुत सारा अमाउंट ये हीट का अपने शरीर से बाहर ले फेंकते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टार्स कहते हैं। और उन्हीं स्टार्स में से एक है सन, जो हमें बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। ओके, तो सन इज़ अ स्टार और एक सेलेस्टियल बॉडी है। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि अगर सन एक स्टार है और इतना चमकीला दिखाई देता है, तो बाकी के स्टार्स जो हैं वो क्यों नहीं चमकीले दिखाई देते हैं? क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एज दिस दे आर सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ये हमसे बहुत दूर हैं, और ये इनके चमकीले होने के बावजूद भी हम इनकी पूरी रोशनी को या पूरी हीट को अर्थ तक फील नहीं कर पाते। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर वेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं और दूर से देखते हैं, तो वो चीज़ जिसको हम देख रहे होते हैं वो बहुत छोटी दिखाई देती है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स वेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। ध्यान से देखो, अगर जब बहुत ऊंचाई से एरोप्लेन उड़ रही होती है और हम नीचे से देखते होते हैं, तो वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसकी दूरी ज़्यादा होती है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाई डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। देखो, आपके साइड में पिक्चर में एक बन रहा है कॉन्स्टिलेशन, है ना? इसमें क्या है, बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप है जिसको एक पैटर्न के फॉर्म में देखा जाता है। जब भी हम इसको पैटर्न के फॉर्म में देखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। ओके, सो ग्रुप ऑफ द स्टार्स दैट फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिलेशन। उर्सा मेजर और बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशन। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सप्तर्षि है। ठीक है, क्या है, सप्तर्षि, सेवन ऋषि। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तर्षि। इसको हम बहुत आसानी से ओपन आई से नाइट स्काई में देख सकते हैं। बाकी के भी कॉन्स्टिलेशन को अगर आप ध्यान से देखना चाहें, तो नाइट स्काई में किसी खुले जगह में जाएं और वहां से उस कॉन्स्टिलेशन को आप ध्यान से देखें, तो बहुत सारे अलग अलग पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। इन सभी कॉन्स्टिलेशंस के बारे में मैं किसी अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द स्मॉल बियर और सप्तर्षि। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो ये सेवन स्टार्स का ग्रुप है जो लार्ज उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन का एक पार्ट है। Ask some elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellation in the sky. ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने किसी elder से उस तरीके के constellation को night sky में देखने के लिए बोलिए। तो चलिए, मैं आपको इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से constellation होते हैं, उनके क्या शेप होते हैं। In ancient time, people used to determine the direction during the night with the help of stars. The north star indicate the north direction. It is also called the pole star. अगर हम देखें, पुराने समय में लोग क्या यूज़ करते थे, रात के समय में डायरेक्शन के लिए स्टार्स को यूज़ करते थे। ठीक है, जो नॉर्थ स्टार होता है उसको हम पोल स्टार भी कहते हैं, और ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, हमेशा ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही निकलता है। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बताता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तर्षि। लुक एट द फिगर 1.1। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, अगर हम सप्तर्षि के दो स्टार्स से देखना शुरू करेंगे, तो वो बिल्कुल स्ट्रीट लाइन फॉर्म करेगा नॉर्थ पोल की तरफ, मतलब पोल स्टार की तरफ, नॉर्थ स्टार की तरफ बताएगा। यू विल नोटिस दैट इफ़ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर, इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार।
Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars, such bodies are called as planets. अच्छा, वो सभी चीज़ जिनके अपने पास खुद की अपनी खुद की लाइट नहीं होती, खुद की हीट नहीं होती, वो सभी क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? प्लैनेट्स कहलाते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनटाई विच मीन्स वंडरर्स. ठीक है, जो प्लैनेट वर्ड आया है ये एक ग्रीक वर्ड है, प्लैनटाई से निकला हुआ, जिसका मतलब है वंडरर्स. हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, ये जो प्लैनेट्स हैं सभी हीट और लाइट लेते हैं सन से, विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारा सबसे करीबी स्टार है. इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो भी हमारा नियरेस्ट स्टार है, इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, अगर हम अर्थ को दूर से देखते हैं तो वो कैसा दिखेगा? अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून, कैसा दिखाई देगा? मून के जैसा चमकीला दिखाई देगा. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, जो मून हमें दिखाई देता है आसमान में वो क्या है? एक सैटेलाइट है. इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ फॉर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, और ये हमारे अर्थ का एक कंपेनियन है जो इसके साथ ही चक्कर काटता रहता है. हमारे अर्थ जैसा हमारा अर्थ एक प्लैनेट है, उसी तरीके से और 8 प्लैनेट्स होते हैं जो हीट और लाइट सन से लेते हैं. ठीक है, इनके कुछ के खुद के मून होते हैं और कुछ कैसे हैं, बने हुए हैं, कुछ मैन मेड मून है. तो जो नेचुरल सैटेलाइट और मैन मेड सैटेलाइट होते हैं. चलिए अब देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में. द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉयड एंड मेट्रॉयड्स, ये सभी क्या आते हैं? सोलर सिस्टम के पार्ट है. देखो यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है आपको, इसमें सेंटर में सन है, मर्करी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर एक एस्टेरॉयड बेल्ट है, देन जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस. ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड, और इसको हम कभी कभी सोलर फैमिली भी कहते हैं, और जिसका हेड कौन है? सन है. द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम. सन क्या है? सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है और सेंटर है, और इसके पास जो भी गैसेस हैं, बहुत हॉट गैसेस हैं, पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ये पूरे सोलर सिस्टम को बाइंड करके रखा हुआ, नहीं तो ये सारा सोलर सिस्टम बिखर जाता. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है सोलर सिस्टम के लिए. बट द ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बींग नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस. लेकिन फिर भी इसकी जो गर्मी है इसे हमें ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि यह हमारे पास होते हुए भी हमसे बहुत दूर है. इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस. द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. सन कहाँ से है? 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से. अर्थ से इसकी दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है. अब बात करते हैं प्लैनेट्स का. देर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम. इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. अगर हम ऑर्डर में देखें तो क्या होगा? सबसे पहले मर्करी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून आएगा. ठीक है, इसको मेमोराइज करने के लिए एक इजी वे है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स. ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा तो हम क्या लर्न करेंगे? माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स. ठीक है, जिसमें M फॉर मर्करी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून होगा. ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, और सभी एक फिक्स्ड पाथ पर सन का चक्कर लगाते हैं. दीज पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. और ये कैसे पार्ट्स हैं? इलोंगेटेड पार्ट्स हैं, मतलब नॉर्थ और साउथ में, सॉरी साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में ये थोड़े से फैले हुए हैं, इलोंगेटेड हैं.
दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इनको हम बोलते हैं ऑर्बिट। मर्करी इज नियरेस्ट टू द सन, मर्करी कहाँ पे है, सन के बहुत करीब है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कम्प्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, मर्करी को केवल 88 दिन लगते हैं सन का एक चक्कर लगाने में। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। वीनस क्या बोला जाता है, अर्थ की ट्विन सिस्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज और शेप बिल्कुल अर्थ के जैसा ही है। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, 2006 से पहले प्लूटो को भी एक प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन एक मीटिंग हुई एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल यूनियन की जहाँ पर यह डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जैसे अदर सेलेस्टियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सेरस है, 2003b 313 है, ये सभी क्या कहलाएंगे, ड्वार्फ प्लैनेट कहलाएंगे, मतलब क्षुद्र ग्रह कहे जाएंगे, सबसे छोटे ग्रह हैं ये। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर हम अर्थ के बारे में देखें तो अर्थ क्या है, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से, ठीक है, और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये थोड़ी सी फ्लैटेंड है पोल्स पे, दिस इज़ व्हाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, ठीक है, इसलिए इसके शेप को हम स्फेयर नहीं, हम क्या कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या हो गई है, क्योंकि ये पोल्स पे कैसी है, थोड़ी सी फ्लैटेंड है इस जगह पे, और इस जगह पे ये कैसी है, फ्लैट दिखाई हमें देती है, ठीक है, तो इसलिए इसके शेप को हम बोलते हैं जियोइड शेप। Condition favorable to support life are probably found only on Earth. The Earth is neither too hot nor too cold. It has water and air, which was very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of this reason, the Earth is a unique planet in the solar system. यहाँ पर survive करने के favorable conditions available हैं, है ना? Earth पे कैसे, यहाँ पर पानी भी पाया जाता है और एयर भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ठीक है, और वाटर और एयर तो है ही जो हमारे सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उससे बड़ी बात जो यहाँ का एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, इसमें जो गैस जैसे ऑक्सीजन जो हम ब्रीद इन करते हैं वो भी अवेलेबल है। Because of this reason, the Earth is a unique planet in the solar system. और इसी की वजह से Earth एक यूनिक planet है इस solar system में जहाँ human beings रहते हैं। From the outer space, the Earth appears blue because its two-thirds surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. अगर हम space से देखें तो हमारी Earth कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल blue color में दिखाई देगी, क्योंकि इसका दो तिहाई हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं मून के बारे में। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, हमारे अर्थ के पास केवल एक सैटेलाइट है जिसको हम कहते हैं मून। इट्स डायमीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ, अगर इसकी डायमीटर देखें तो इसका डायमीटर केवल 1/4 है हमारे अर्थ का। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियर टू अवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडी, और यह पता है बच्चों ये हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि वह बाकी सेलेस्टियल बॉडी से अपेक्षाकृत अर्थ से बहुत पास में है। इट इज़ अबाउट 384,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, बस इतनी सी ही दूरी है जिसकी वजह से ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मून जो है अर्थ का चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है, 27 डेज लगाता है। As a result, only one side of the moon is visible to us on the Earth. इसीलिए मून का केवल एक हिस्सा ही हमें अर्थ पे दिखाई देता है। The moon does not have condition favorable for life. It has neither water nor air. It has
mountains, plains, and depression on its surface. These cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe this shadow. देखो जो मून है इसका कंडीशन रहने लायक नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं पाया जाता. यहाँ पर न पानी है न हवा है. यहाँ क्या मिलता है? माउंटेन्स मिलता है, प्लेन्स मिलता है और बहुत सारे डिप्रेशन है जिसको जिसकी परछाई हमें फुल मून पे दिखाई देती है. ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं एस्टेरॉयड के बारे में. अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट देर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड. देखो ये पिक्चर है एस्टेरॉयड की, बड़ी सी दिखाई दे रही है जो ब्राउन कलर में, ये एस्टेरॉयड की पिक्चर है. अपार्ट फ्रॉम स्टार्स प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, स्टार प्लैनेट्स और सैटेलाइट के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड जैसी भी चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं. और ये कहाँ मिलती हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में. ठीक है, इनका एक बड़ा सा ऑर्बिट बना हुआ है जिसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं. साइंटिस्ट आर ऑफ व्यू दैट एस्टेरॉयड आर अ पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक. कुछ साइंटिस्ट ये बताते हैं कि ये जो एस्टेरॉयड का बेल्ट है ये कभी प्लैनेट हुआ करता था जो कुछ साल पहले, बहुत ढेर सारे साल पहले एक्सप्लोड कर गया, फूट करके कई टुकड़ों में बट गया. चलो अब देखते हैं मेट्रॉयड के बारे में. स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉयड. मेट्रॉयड क्या होते हैं? रॉक के आसपास जो सन है, सन के आसपास पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो रोटेट करते रहते हैं उनको हम बोलते हैं मेट्रॉयड. समटाइम्स दिस मेट्रॉयड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. कभी कभी ये न्यूज़ आपने सुनी होगी कि मेट्रॉयड गिरने वाला है अर्थ पे. ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न. और इसी प्रोसेस के दौरान जब बहुत तेज गति से ये आ रहे होते हैं मेट्रॉयड्स अर्थ पे, तो इनमें क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से इनमें आग लग जाती है. इसलिए वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, एकदम अचानक से बहुत तेज से रोशनी दिखाई देता है. समटाइम्स सम मेट्योर विदाउट बींग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ होलो. और कभी कभी ये जो मेट्योर है बिना जले ही अर्थ पे आ जाते हैं और ज़मीन पे गिर करके क्या करते हैं? एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देते हैं. डू यू सी अ व्हाइटिस ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट. कभी आपने देखा है जब एक बहुत पतली सी कैसे बताऊँ मैं, वाइट कलर की ग्लोइंग पाथ दिखाई देती है और थोड़े टाइम के लिए दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं टूटता तारा. ठीक है, तो वो दिखाई देता है. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स. दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी. आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. ठीक है, तो ये क्या होता है? क्लस्टर ऑफ स्टार्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं जो हमेशा गिरते रहते हैं. दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी. और इनको हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं. देखो ये पिक्चर है मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का. देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. और इस तरीके से बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो यूनिवर्स को बनाती हैं. इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. वी आर नॉट सर्टिन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. ठीक है, हमें नहीं पता कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है. अगर इसमें बिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज है, कितना बड़ा है ये यूनिवर्स हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इसके खोज में लगे हुए हैं. वी आर नॉट सर्टिन अबाउट इट्स साइज, हमें इसके साइज के बारे में नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि आप और हम सभी इस यूनिवर्स के पार्ट हैं. तो चलिए हमें कमेंट करके बताइएगा इस पूरे सेक्शन में आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई. मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग कात्या किड्स लर्न विद फन. अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज भी करेंगे और मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको डिफरेंट तरीके के कॉन्स्टलेशंस की वीडियो भी शेयर करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर द नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर नाउ.